गुम है किसी के प्यार में विराट चौहान के किरदार से नील भट्ट ने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की और घर घर पहचान बनाई। हालांकि शो में 20 साल का लीप लिया गया था, इस वजह से नील भट्ट ने फैमिली ड्रामा को अलविदा कह दिया था। 2.5 साल तक एक डेली सोप की शूटिंग करने के बाद नील अब काम पर कमबैक करने से पहले एक छोटा ब्रेक लेना चाहते हैं। एक्टर ने एक इंटरव्यू में अपने फ्यूचर प्लान का खुलासा किया है। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नील भट्ट ने खुलासा किया है कि उन्होंने अभी तक कुछ साइन नहीं किया है। एक्टर ने कहा कि मैं थोड़ा ट्रैवल करना चाहता हूं और नए एक्सपीरियंस हासिल करना चाहता हूं। नील ने कहा कि लगभग 15 सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा रहने के बाद उन्होंने अब सीख लिया है कि अपने पिछले शो की सफलता से भविष्य की रणनीति निर्धारित न करें। इसके अलावा एक आजमाए हुए फॉर्मूले पर टिके रहने के बजाय नील एक एक्टर के रूप में आगे बढ़ना पसंद करते हैं। नील कहते हैं, मैं अलग तरह के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर एक आर्टिस्ट के रूप में डेवलप होना चाहता हूं। कुछ काम कर सकते हैं, कुछ नहीं, लेकिन यह मेरे एक्टिंग का क्राइटेरिया नहीं है। मैं यह उम्मीद करके कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लेता कि यह पिछले प्रोजेक्ट जितना अच्छा होगा। मैं इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश किए बिना शो को अपनी खुद की जर्नी करने देना पसंद करूंगा। यही वजह है कि मैं इतने लंबे समय तक खुद को बनाए रखने में सक्षम हूं। नील आगे कहते हैं कि मैं अपने अगले प्रोजेक्ट के साथ सक्सेस को दोबारा हासिल करने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि तब मैं खुद को लिमिटेड कर रहा होता हूं। मैं हर नए शो के साथ सफलता की एक नई कहानी बनाना चाहता हूं। वो आगे कहते हैं, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एक बार जब मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो मैं फिर से काम की तलाश में रहने वाला एक्टर बन जाता हूं। मैं अपने पिछले शो का कोई बोझ नहीं उठाना चाहता। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।